प्यारे बच्चों, तो आज हम ओलंपियाड का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले खुद कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, फिर आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने 6th से लेके 10th क्लास तक फैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा फैक्टर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन जब आप 12th करोगे, 12th के बाद जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं या ग्रेजुएशन के बाद जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आता है और है हमारा 6th टू लेके 10th तक की क्लास के फैक्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। पर्सन वन कीप्स वन मार्बल इन एवरी बॉक्स। मीन्स पर्सन वन आया, उसने बॉक्स वन में भी एक मार्बल रखा। समझे मेरी बात? पर्सन वन ने बॉक्स टू में भी एक मार्बल रखा, बॉक्स थ्री में भी एक मार्बल रखा, बॉक्स फोर में भी एक, इसी तरह से बॉक्स 50th में भी उसने एक ही मार्बल रखा। ये बात समझ आ गई? पर्सन टू कीप्स टू मार्बल्स इन एवरी सेकंड बॉक्स, हर दूसरे बॉक्स में। यानी कि पर्सन टू की बात करें तो दूसरे बॉक्स में वो कितने मार्बल रखेगा? दो मार्बल रखेगा। ये दो मार्बल किसने रखे बच्चों? पर्सन टू ने ही तो रखे। ये बात आ गई समझ आपको? ये जो दो मार्बल रखे, ये किसने रखे? पर्सन टू ने रखे। फिर पर्सन टू सेकंड के बाद कौन से बॉक्स में रखेगा? फोर्थ में, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है? पर्सन टू कीप्स टू मार्बल इन एवरी सेकंड बॉक्स। यानी कि दूसरे बॉक्स में वो दो रखेगा, चौथे बॉक्स में वो दो रखेगा, और कौन से बॉक्स में दो रखेगा? सिक्स्थ में, एट्थ में, टेंथ में। समझ गए बात? और 50th में रख पाएगा दो? यस, क्योंकि जो 50 है वो दो से क्या होता है? डिवाइड होता है। और पर्सन थ्री की बात करें तो वो हर तीसरे बॉक्स में तीन मार्बल। यहां पे अगर तीसरा बॉक्स भी मैं बना देता तो पर्सन थ्री ने उस बॉक्स में कितने मार्बल रखे? थ्री मार्बल रखे। क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया बच्चों आपको? इस तरह से ये प्रोसेस चलती रही जब तक 50वां बंदा नहीं आया। और बताओ 50th पर्सन 50th बॉक्स में कितने मार्बल रखेगा? 50 ही रखेगा ना। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ऐसा थोड़ी ना कि 50वें बॉक्स में सिर्फ 50वां नहीं रखे। 50वें बॉक्स में तो काफी सारे पर्सन्स रख पाएंगे, वही हमें निकालना है। तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अगर हम लॉजिकली सोचें, 50th बॉक्स में कौन कौन सा पर्सन मार्बल रख पाएगा? सोचो, वही तो रख पाएगा ना जो 50वें बॉक्स को डिवाइड करता हो। मींस हमें 50th बॉक्स के फैक्टर्स चाहिए। बस अब तो आसान हो गया। 50 नंबर को कौन कौन सी वैल्यूज डिवाइड करती हैं? क्या वन डिवाइड करता है एक्स? यस। मतलब पर्सन वन कितने मार्बल रखेगा? वन मार्बल रखेगा। क्या 50 को टू डिवाइड करता है? यस करता है। तो 50th बॉक्स में जो सेकंड पर्सन है वो कितने मार्बल रखेगा? टू मार्बल रखेगा। क्या 50 को थ्री डिवाइड करता है? नहीं। इसका मतलब पर्सन नंबर थ्री 50th बॉक्स में नहीं रख पाएगा, क्योंकि जो 50 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। पर्सन 4 रख पाएगा 50th बॉक्स में? नहीं रख पाएगा, क्योंकि 54 से डिविजिबल नहीं है। पर्सन 5 रख पाएगा? यस। 50th बॉक्स जो है 5 से डिवाइड होता है ना, तो पर्सन 5 कितने मार्बल रख पाएगा बताइए? 5। वेरी गुड। पर्सन 6 नहीं रख पाएगा, है ना। तो 50 के फैक्टर्स 1 होता है, 2 होता है, 5 भी होता है, और क्या होता है 50 का फैक्टर? 10 भी होता है। शाबाश। और क्या होता है बच्चों बताइए? 50 के फैक्टर्स बताने हैं तो 25 भी होता है। वेरी गुड। और क्या होता है? 50 भी होता है ना। तो अगर मैं इनको अगर मैं ऐड कर लूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा? 50 प्लस 25 कितना हुआ? 75। प्लस 10 कितना हुआ? 85। प्लस 5 90। प्लस 2 92। प्लस 1 93 मार्बल्स। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? 93। तो इस तरह से और भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता था,
अगर आपसे पूछा जाता कि बॉक्स नंबर 8 में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बताओ, तो बॉक्स 8 में कौन कौन रख पाता? पर्सन 1 रख पाता क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ 8, और पर्सन 2 भी रख पाता, पर्सन 3 रख पाता 8 बॉक्स में, नहीं। पर्सन 4 रख पाता, यस रख पाता। पर्सन 5 नहीं रख पाता। पर्सन 6 भी नहीं रख पाता। पर्सन 7 भी नहीं रख पाता, और पर्सन 8 8th बॉक्स में 8 मार्बल रख देता। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमसे क्या पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ था बताइए? 50th बॉक्स। तो हम क्या सोचेंगे, 50 को कौन कौन सी वैल्यूज डिवाइड करती है? 1 करता है, 2 करता है, 5 भी 50 को डिवाइड करता है, 10 भी, 25 भी और 50 भी। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरा कितना आंसर आएगा? 93 मार्बल। मतलब पर्सन 1 ने एक ही मार्बल रखा, पर्सन 2 ने कितने मार्बल रखे बच्चों? 2। पर्सन 5 ने कितने मार्बल रखे? 5। 50th बॉक्स की बात कर रहा हूँ। पर्सन 10 ने 50th बॉक्स में कितने मार्बल रखे? 10। पर्सन 25 ने 50th बॉक्स में कितने मार्बल रखे? 25। और पर्सन 50 ने 50th बॉक्स में 50 मार्बल रखे। तो हमारा टोटल जो ऐड करके आया वो कितना आया बच्चों? 93 मार्बल आया। बोलो समझ आ गया आप सबको? तो ये हमारा ओलंपियाड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बेल आइकन दबा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो चैनल का नाम है बेस्ड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम।